तो हमारे पास ये लोहे की पत्ती है, इस पर हम वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। वाओ, हमारी वेल्डिंग मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। हमें तो बचपन से ही खतरों से खेलने का बहुत शौक है, आप हमारे जैसा कुछ भी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तो गाइस, आपने थंबनेल में देख ही लिया, हम बनाने वाले हैं आज एक वेल्डिंग मशीन जो कि पूरी तरीके से हम घर पे बनाएंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ इस प्रकार के लकड़ी की स्केल की और दो कुछ लोहे की इस तरीके की पत्तियों की। तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, इस लोहे की पत्तियों में कुछ इस तरीके से स्क्रू लगाना है और इसको इस लकड़ी की स्केल पर सेट कर देना है। और हमें इसके साथ एक वायर अटैच करना है और इसे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देना है ताकि स्पार्क ना हो, और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। कुछ इसी तरीके से हमें दूसरी पत्ते को भी सेट कर देना है और इसमें भी एक वायर अटैच कर देना है। कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है और उन पत्तियों को अच्छे से फिक्स कर दिया है। फिर हमें एक वेल्डिंग रोल लेनी है, उसके ऊपर वाले सिरे को थोड़ा सा हमको ऊपर से मोड़ देना है। फिर हमें इसके साथ एक वायर अटैच करना है। हमने वायर कनेक्ट कर दिया है, फिर हमें इसको एक प्लास्टिक के हैंडल पर कस देना है। ये हमारा हैंडल कंप्लीट हो गया है वेल्डिंग करने के लिए। इसको नीचे से थोड़ा सा मोड़ देना है वेल्डिंग रोड को। ये हैंडल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें नमक लेना है, ये नॉर्मल नमक है जो हम घर पे खाना बनाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है, नॉर्मल वाटर हम इसमें डाल देते हैं। हमें इतना पानी लेना है जो हमारी लोहे की पत्तियाँ है उसका नीचे का सिरा पानी में डूब जाए। इसके बाद हम इन पत्तियों को पानी में डाल देंगे, इसे हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों पत्तियाँ आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ये दूर दूर ही रहनी चाहिए। इसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये वायर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड से निकल कर सीधा इस लोहे की पत्ती से कनेक्ट है और दूसरे वाली लोहे की पत्ती से निकल कर सीधा जा रहा है इस पत्ती पर जिस पर हम वेल्डिंग करने वाले हैं उससे कनेक्ट। और जो आप ये वेल्डिंग रोड देख रहे हैं इससे एक वायर कनेक्ट होते हुए सीधा जा रहा है हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसकी दूसरी वाली पिन से कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं ये हमारी वेल्डिंग रोड है। अब इसको हम जैसे ही इस पत्ती पर टच करेंगे वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, हमने अभी इसको पावर नहीं दी है। तो गाइस, सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेंजर वेल्डिंग मशीन है जिससे हमें कोई शौक ना लगे। तो सेफ्टी फर्स्ट, हम सबसे पहले ग्लव्स पहन लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं वेल्डिंग होती है नहीं। वाओ, हमारी वेल्डिंग मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए और हम वेल्डिंग करके देखते हैं कि यहाँ और वेल्डिंग कर पाती है या नहीं। सच में यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। आप इसे घर पर या कहीं और दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा कि हम बहुत ही ज़्यादा डेंजर वेल्डिंग मशीन है। अब हम लोहे के मोटे वाले टुकड़े पर वेल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। ये लोहे का मोटा टुकड़ा है, इस पर देखते हैं वेल्डिंग होती है या नहीं।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हैं पानी में झागुन आ गए हैं।